नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर सुजीत, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हमने यहाँ पे ड्रॉ किया एक पूर्वमुखी बढ़िया सा 2 BHK हाउस प्लान। प्लान की साइज है 21 फीट बाय 35 फीट। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, पूर्व पश्चिम प्लान की लंबाई यहाँ पे 35 फीट है और उत्तर दक्षिण लंबाई यहाँ पे 21 फीट है। तो काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है, सिंपल डिज़ाइन है, तो आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, फ्रंट में हमने बढ़िया सा एक मेन एंट्रेंस डोर दिया है, मेन गेट 3 फीट या 4 फीट चौड़ाई वाला हम इसको रख सकते हैं। जैसे अंदर आते हैं, सामने यहाँ पे एक बढ़िया सा लिविंग हॉल प्लान किया है, लिविंग कम ये ड्राइंग एरिया भी आप इसको बोल सकते हो। और इसकी साइज़ रखिए 14 फीट बाय 11 फीट, 14 फीट इसकी लंबाई है और 11 फीट इसकी उत्तर दक्षिण चौड़ाई बोल सकते हो। तो ये है इसकी लंबाई 14 फीट इस डायरेक्शन में, और ये है 11 फीट यहाँ पे ऐसे। उसके बाद यहाँ पे अग्निकोण पे बढ़िया सा एक किचन यूनिट प्लान किया है, छोटा सा रसोई घर 8.5 फीट बाय 8.5 फीट साइज का, 8 फीट चेंज बाय 8 फीट चेंज। तो इसमें ये भी 8 फीट चेंज इस डायरेक्शन में, और ये ऐसे भी 8 फीट चेंज। किचन के साथ में एक छोटा सा स्टोर यूनिट प्लान किया है, कुछ सामान रखने के लिए स्टोर यूनिट के लिए यहाँ पे एक दरवाज़ा दिया है D1। किचन के लिए यहाँ पे ये ओपनिंग रहेगी 3 फीट चौड़ी। स्टोर यूनिट की साइज़ यहाँ पे रखी हमने 5 फीट बाय 8 फीट चेंज, 5 फीट बाय 8 फीट चेंज। तो इसमें से ये ऐसे 5 फीट है। उसके बाद आते सामने यहाँ पे नॉर्थ फेस में सेंटर में एक कंबाइन कॉमन टॉयलेट बाथ प्लान किया, साइज़ इसकी 6 फीट बाय 6 फीट रखी। तो ये ऐसे भी 6 फीट और ऐसे भी 6 फीट। उसके लिए एक दरवाज़ा है 2.5 फीट वाला D2। यहाँ पे साउथ फेस में एक स्टेयरकेस का प्लानिंग है, इंटरनल स्टेयरकेस है, यहाँ से ये अब रहेगा। फ्लाइट की जो चौड़ाई है वो 3 फीट है यहाँ पे, और सीढ़ी की साइज़ रखी 9 फीट 9 इंच बाय 6 फीट। तो 6 स्टेयरकेस ब्लॉक हम इसको डिनोट करेंगे 6 फीट बाय 9 फीट 9 इंच। उसके बाद सबसे लास्ट में पश्चिम साइड में ये 2 बेडरूम का प्लानिंग किया है, ये है बेडरूम 1। दोनों बेडरूम की साइज़ सेम रखी है, और ये है बेडरूम 2। तो जो साइज़ है मैं आपको बताता हूँ, 13 फीट बाय 9 फीट 9 इंच, 13 फीट बाय 9 फीट 9 इंच। ये एकदम टिपिकल डिज़ाइन है प्लानिंग का, ऐसे डिज़ाइन आपने काफ़ी सारे प्लान्स में देखे होंगे, और ये है 9 फीट 9 इंच। टिपिकल इसलिए क्योंकि फ्रंट में किचन, लिविंग एरिया, सीढ़ी, फिर कॉमन टॉयलेट बाथ और सबसे लास्ट में बेडरूम। तो यहाँ पे भी साइज सेम है, 13 फीट बाय 9 फीट 9 इंच। तो इसमें से ये 13 फीट यहाँ पे रहेगा ऐसे लंबाई, और 9 फीट 9 इंच जो है वो इस डायरेक्शन में। तो इस तरीके से ये प्लानिंग की है। इसमें जो ब्रिकवर्क की मोटाई हमने रखी है, 6 इंच वाला ब्रिकवर्क रखा है 6 इंच मोटाई का, और प्लिंथ लेवल तक हम या कुर्सी लेवल तक 9 इंच का ब्रिकवर्क ले सकते हैं, मोटाई ले सकते हैं, और उसके बाद में 6 इंच चल जाता है। अंदर वाला ब्रिकवर्क भी 6 इंच मोटाई का यहाँ पे रखा है। तो इस हिसाब से ये हमने बढ़िया सी प्लानिंग की है। और अगर हम इसका जो ये डोर और विंडो ओपनिंग का शेड्यूल देखेंगे, तो ये बेडरूम के लिए दरवाज़ा D1। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मेन एंट्रेंस डोर जो आपका है वो 4 फीट बाय 7 फीट का, उसके बाद जो D1 है वो 3 फीट बाय 7 फीट, जो कॉमन टॉयलेट बाथ का दरवाज़ा है वो 2.5 फीट वाला 2 फीट चेंज बाय 7 फीट। और बाकी यहाँ पे आप विंडो ओपनिंग्स दिखा सकते हो, विंडो की साइज़ अपने हिसाब से हम रख सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे ये W विंडो W, ये टॉयलेट बाथ के लिए वेंटिलेशन,
ये बेडरूम के लिए W, और यहाँ पे लिविंग एरिया के लिए भी ये W. W विंडो जो है इसकी साइज़ हम रखेंगे 6 फीट बाय 4 फीट, W1 5 फीट बाय 4 फीट या फिर 3 फीट, W2 4 फीट बाय 4 फीट, और वेंटिलेशन जो है 2 फीट बाय 3 फीट स्टैंडर्ड साइज़ का. तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, और ये प्लान आपको प्लान कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं. वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में और एक बढ़िया उस प्लान के साथ. तब तक के लिए थैंक यू.